हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा नीट इन्फॉर्मेशन और मैं हूं हरसाय चोपड़ा। दोस्तों, इंडिया में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट तो 31 मार्च 2020 तक क्लोज हो चुके थे, मगर कंपटीशन एग्जाम और स्कूल कॉलेज एग्जाम अपनी शेड्यूल के मुताबिक कंडक्ट हो रहे थे। इसमें सीबीएसई के भी 10th और 12th के एग्जाम हो रहे थे। अभी सीबीएसई ने 18 मार्च 2020 को एक नोटिस निकाला है। इसमें लिखा गया है कि 19 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 तक बोर्ड एग्जाम क्लास 10th और 12th के पोस्टपोन हो चुके हैं और 31 मार्च 2020 के बाद इनकी न्यू एग्जाम डेट दी जाएगी। सेकंड नंबर पॉइंट पर लिखा है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली कैंडिडेट का एग्जाम रीशेड्यूल किया गया था, वो भी पोस्टपोन हो चुका है, वो भी 31 मार्च 2020 के बाद ही रीशेड्यूल किया जाएगा। सभी स्कूल यह सुनिश्चित करें कि यह सूचना उनके स्कूल के सभी स्कूल कंसर्न्ड स्टूडेंट को मिल चुकी है। फोर्थ नंबर पॉइंट पर लिखा है कि न्यू एग्जाम डेट बोर्ड द्वारा 31 मार्च 2020 के बाद सिचुएशन को देखते हुए इन्फॉर्म की जाएगी। पांचवें नंबर पॉइंट पर लिखा है कि सभी बोर्ड एग्जाम रिलेटेड मूल्यांकन कार्य 31 मार्च 2020 तक स्थगित कर दिए गए हैं, ये भी 1 अप्रैल 2020 के बाद ही रीशेड्यूल किए जाएंगे। तो दोस्तों, सीबीएसई ने क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम 31 मार्च 2020 तक पोस्टपोन कर दिए हैं। इनकी न्यू डेट 31 मार्च 2020 के बाद पुनः निर्धारित की जाएगी। जैसे ही ये डेट रीशेड्यूल होगी, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।